हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम मूंगफली भून के बताएंगे आपको कैसे आप मूंगफली बहुत ही आसानी से बिना रेत का कैसे भून के आप तैयार कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मूंगफली भूनना शुरू करते हैं। देखिए, हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, हम चूल्हे को ऑन कर देते हैं। देखिए, हमने ये नमक डाल रखा है, हमने नमक को रख दिया है गर्म होने के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि आप बिना रेत के नमक से कैसे मूंगफली भून के तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमने नमक को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली हम डाल के अच्छे से भूनेंगे नमक के साथ। देखिए, हमने डाल दिया। अब इस तरीके से आप मूंगफली को भूनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से आप मूंगफली को भून सकते हैं नमक के साथ। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कढ़ाई जो है वो पुरानी होनी चाहिए, नई कढ़ाई में बिल्कुल ना भूनिए, क्योंकि वो खराब हो जाता है। नमक को या बालू इसलिए चीनी पड़ने लगते हैं। नमक भूनने से जब हम लोग मूंगफली भूनते हैं, नमक जो है टाइट हो जाता है, तो वो कढ़ाई में चीनी पड़ने लगते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी तरह आप पुरानी कढ़ाई ही ले मूंगफली भूनने के लिए। देखिए, थोड़ा सा और ले लेते हैं। हमने आधा किलो के अनुसार हमने मूंगफली को ले लिया है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छे से हम भून के तैयार करेंगे मूंगफली को। थोड़ा थोड़ा ही डाल के मूंगफली को भूनना चाहिए, ज्यादा डाल के नहीं भूनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अच्छे से मूंगफली जो है भून नहीं पाएगी। मूंगफली बहुत ही फायदा करता है ठंडी, इस तरीके से छिलके वाली मूंगफली खाने का मजा कुछ और है। देखिए, किस तरीके से हमें क्या करना है मूंगफली से हम भून के तैयार कर सकते हैं। इसलिए ये बात जरूर ध्यान में आप लोग देखिएगा, कढ़ाई पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई कढ़ाई बिल्कुल नहीं यूज में ले, खराब हो जाता है। देखिए, इस तरीके से हम इसे लगातार चलाते हुए मूंगफली को हम भून के तैयार करेंगे। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लगातार चलाते हुए हमें मूंगफली को भून के तैयार करना है। बहुत ही अच्छे से इस तरीके से आप मूंगफली भूनेंगे। आप जाएंगे लेने के लिए दुकान पे, देखते थोड़ा सा ही देता है, 20-30 का देता है, इससे मन नहीं भरता। इस तरीके से आप घर के मूंगफली छिलके वाली खरीद के रख ले और आराम से इस तरीके से आप भून सकते हैं। जब मर्जी हो गर्मा गर्म आप भूनो और काले नमक के साथ खा लो, मूंगफली बहुत फायदा करता है। इस तरीके से आप मूंगफली को यूज में जरूर ले। देखिए, ऐसे ही चलाते हुए हम मूंगफली को भूनना है, लगातार चलाना है, बहुत अच्छे से ये भून जाती है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आप नमक यूज करें, सस्ता वाला नमक ले लें, लेके रख लें और जब मर्जी हो मूंगफली इस तरीके से आप भून सकते हैं। देखिए, हमने मूंगफली को भून के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कलर ऐसे ही होना चाहिए, बहुत अच्छे से मूंगफली जो है भून के तैयार हो गई है। हमने लगातार चलाते हुए इसे भून के तैयार किया है। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका, इस तरीके से आप मूंगफली को भून के तैयार करेंगे। देखिए, भून चुकी है, हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। हमने ले रखा है, अब देख सकते हैं, अब इसमें हम रख के इसमें का जो नमक है हम निकाल लेते हैं, उसको हम साइड में रख के अभी से हमने देखिए इसमें डाल दिया। अब इसे हम ऐसे ही मिलाते हुए हमें निकाल लेना है। देखिए, हमने इसे अच्छे से करके निकाल लिया है। देख सकते हैं ये गर्म है, छुआ नहीं जा रहा है। मूंगफली भून के तैयार हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।